चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी वालों तिरंगा बाइक रैली कड़ी गई। रैली सेक्टर 3 तो वॉर मेमोरियल बोगन विला गार्डन तो शुरू होके सेक्टर 33 स्थित टेरिस गार्डन च जाके संपन्न हुई। तिरंगा बाइक रैली तो पहला भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ प्रधान अरुण सूद अते पार्टी के कई आगुआ वालों वॉर मेमोरियल च शहीदां नूं श्रद्धांजलि दी गई। इस दे बाद रैली नूं अरुण सूद वालों रवाना किया गया। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे देश भर में और चंडीगढ़ में भी एक तिरंगा यात्रा निकाल रहा है। जैसे हम जानते हैं 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो है देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष की हम लोग जो है वो हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, और उसी उपलक्ष में आज एक तिरंगा यात्रा लेकर नौजवान जो हैं वो अलग अलग चंडीगढ़ के हिस्सों से आज यहाँ शहीद स्मारक में इकट्ठे हुए हैं। उन शहीदों को जिन्होंने इस अमृत महोत्सव को आज हमारे हमें मनाने के लिए हमें ये अवसर दिया है, उनकी शहादत को सलाम करने के लिए और उनकी जो देश पे उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है उसको उस जज्बे को नमन करने के लिए आज ये हम शहीद स्मारक पे आए हैं। सब नौजवान जो है बहुत पूरे चंडीगढ़ से उमड़ कर यहाँ आए हैं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वो शहर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे और 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे चंडीगढ़ में और पूरे देश भर में ये जो अमृत महोत्सव है हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक सब लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे। देश के 25 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है अपने घरों पर 25 करोड़ से ज़्यादा घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा और ये एक अभूतपूर्व जो है वो मैं समझता हूँ कि एक महोत्सव होगा। ना दुनिया में इतना बड़ा कोई उत्सव कभी हुआ है ना होगा, और तिरंगे का मान हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बढ़ेगा। भारत माता की जय। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वालों ये तिरंगा रैली कड़ी गई सी पर इस च जम के नियमों की उल्लंघना की गई। इस रैली च कई नौजवानों ने हेलमेट भी नहीं पाए हुए सी, जबकि चंडीगढ़ पुलिस का ट्रैफिक नियमों प्रति सख्त रवैया रहता है, पर उस समय पुलिस वालों इन वाहन चालकों का चलान नहीं किया गया, जबकि चंडीगढ़ च थां थां ट्रैफिक पुलिस तैनात सी, पर इसके बावजूद वो मूक दर्शक बनी रही। जगबनी टीवी लई चंडीगढ़ तो भगवत सिंह की रिपोर्ट।